तो फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में हम सभी को एक ही दिक्कत रहती है। सर्दियों के सीज़न में मेथी को तोड़ना काफ़ी झंझट का काम रहता है हम लेडीज़ों का, क्योंकि क्या होता है, घर में बहुत काम होते हैं और ये लगता है कि ये मेथी कैसे टूटे। तो मैं आज आप सभी के सामने इसको स्टोर कैसे करें और इसकी डंडी फटाफट कैसे तोड़ें ये भी बताती हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनुदा किचन चैनल पे। तो अगर दोस्तों आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी। तो आइए, सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ मेथी। सर्दियों का सीजन चालू हो गया है, मेथियाँ आ रही हैं, तो यहाँ मैंने 1 kg मेथी ले ली है। तो ये फ्रेश फ्रेश मेथी है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे फटाफट इसकी तोड़ के रेडी कर सकते हैं। जैसे बहुत से होते हैं कि एक एक डंडी तोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ऐसे काफ़ी वक्त व्यस्त चला जाता है हमारा। तो आज मैं बहुत ही झटपट तरीके से मेथी तोड़ना बताऊंगी आपको और इसको कैसे स्टोर करके रखें, इसलिए हमारे ये अच्छे से स्टोर करके रखेंगे तो ये लंबे समय तक काफ़ी अच्छी बनी रहेंगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेथी हम रख लेंगे ऐसे। अब लेंगे हम एक नाइफ, ये जो धागा बंधा रहता है, सबसे पहले तो इसको हम कट कर लेते हैं नाइफ की सहायता से। तो बहुत ही आसान टिप है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मेथी को तोड़ना। तो आप अब से जैसे भी मेथी तोड़ते हैं वो भूल जाइए और जो मैं टिप बता रही हूँ वो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपकी मेथी बहुत ही झटपट टूट के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने खोल ली है, आधी मेथी मैं हटा लूँगी, आधी आधी भाग कर लूँगी, इसके इकट्ठी नहीं करेंगे। अब क्या करना है हमें, जो इसमें फालतू की चीज़ें होती हैं जैसे कि घास आ जाती है, बथुआ आ जाता है, ये बाकी की चीज़ें होती हैं, उनको हम इसमें चेक कर लेंगे और हटा देंगे। जैसे कि कभी सड़ी आ जाती है, कभी घास आ जाती है, बथुआ आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो हवा पहले चेक कर लेंगे इसमें और हटा देंगे। अब क्या करना है हमें, इसको ऐसे पकड़ना है मेथी को और इसकी जो नीचे की डंडी है उसको हम देखिए ऐसे डंडी से नाइफ की सहायता से ये इतनी जड़ें हटा देंगे, ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए, अब इसको मैंने साइड में कर दूंगी, ये डंडी डंडी इसकी साइड में हो गई। तो ये देखिए, है ना बहुत ही आसान तरीका मेथी तोड़ने का। अब इसको आप इसकी जड़ें थोड़ी ऊंची से काटिए, तो ये देखिए मेथी हमारी टूट के रेडी हो गई है। सिर्फ 1 मिनट में आपकी ये मेथी टूट के अलग हो जाएगी, ये देखिए। और ना तो इसमें कोई मैंने सब बीनने में भी कोई टाइम नहीं लगा है, जो बथुआ होता है, जो घास होती है, सब इसमें से हट गई हैं। तो ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी हो चुकी हैं, आप इसको आप काट सकते हैं। 1 मिनट में हमारी मेथी टूट के रेडी हो गई है। जितनी से जितनी मेथी हो आप बहुत ही फटाफट काट के रेडी कर सकते हैं। अब इसको हम जो बाकी की आधी थी वो भी ले लेंगे और ये देखिए जो थोड़ी बड़ी रह जाए उसको हम हाथ से ऐसे तोड़ लेंगे, ये देखिए। तो अब ये हमारी टूट के मेथी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको काटिए और बनाइए, कितनी फटाफट कट के रेडी हो गई ना। और ये जो बाकी के हैं हम इसको साइड में रख देंगे और जो ये मैंने आधी हटा ली थी उसको भी हम पहले चेक कर लेंगे कि इसमें घास वगैरह कुछ एक्स्ट्रा कुछ है तो नहीं, फिर इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे नाइफ की सहायता से। अब इसको आप स्टोर कैसे करें लंबे समय तक, आप क्या कीजिए, इसको काट के थोड़ी पंखे में सुखा लीजिए। अगर पंखा नहीं हो, सर्दियों में पंखा तो चलता नहीं है, तो ऐसे ही काट के इसको हल्का सा फैला के रख दीजिए, फिर इसको पॉलीथीन में भर के रख दीजिए फ्रिज में। इससे आपकी मेथी 1 या 2 दिन तक स्टोर आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से हमारी मेथी 1 मिनट में टूट के रेडी हो गई है। ये देखिए 1 kg मेथी मैंने 1 मिनट में तोड़ के रेडी कर ली है, कोई भी टाइम नहीं लगाए, कोई भी झंझट नहीं लगाए। तो आप लोगों के लिए ये टिप बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप सभी को मेरी ये टिप पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलती हूँ।